बलरामपुर में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री असीम अरुण जी द्वारा तहसील तुलसीपुर के ग्राम लोकहवा में बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री किट वितरण की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस दैवीय आपदा के समय सभी पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है, सभी को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। जिन परिवारों में जनहानि हुई है उनको 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की जाएगी, कृषकों को फसल नुकसान का मुआवजा प्रदान किया जाएगा, जिनके घर का नुकसान हुआ है उनको मुख्यमंत्री एवं प्रधान आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, बाढ़ प्रभावितों को कृषि का पट्टा भी प्रदान किया जाएगा। आपदा को रोकने के लिए बाढ़ के जरिए अन्य प्रबंध के जरिए कोशिश की जाती है, लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है जैसा कि इस बार हुआ तो हमको थोड़ा कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन उस कष्ट में उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। दैवीय आपदा के लिए जिस जिस के परिवार में कोई जनहानि हुई है हम लोग मदद कर रहे हैं। 4 लाख रुपए की धनराशि से खातों में पहुंच चुकी है, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि जहां पे संभव है, पात्रता है, तो कृषि का पट्टा दिया जाए मजबूती देने के लिए, जहां संभव है तो पीएम आवास या सीएम आवास की सुविधा दी जाए, और भी जिस सरकारी योजना से हम लोग मदद कर सकते हैं हम लोग मदद करेंगे। कष्ट तो कम नहीं हो सकता, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए सरकार काम करती है और इसकी हम लोग पूरी चेष्टा करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। जिन बहनों भाइयों की फसल का नुकसान हुआ है उसकी भी क्षतिपूर्ति की जाएगी, सर्वेक्षण उसका काफ़ी सारा हुआ है, कुछ और बचा है पूरा करके हम लोग सभी को क्षतिपूर्ति इसकी देंगे।